लखीमपुर कांड का, जिसमें 9 लोगों की हत्या कर दी गई, इसमें 4 किसान भी, एक पत्रकार भी, इसमें इस कांड का सूत्रधार कौन है? 1.5 हफ्ते पहले अजय मिश्र ट्रेनी एक कार्यक्रम में गए थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर के सांसद, और वहां बाहें चढ़ाई उन्होंने। वो तस्वीरें हैं, पुरानी है, 1.5 हफ्ते की, जो आप देख रहे हैं। उन्होंने बाहें चढ़ाई, किसानों को धमकाया, मंच से धमकाया, यहां तक कहा कि हम मंत्री बाद में हैं, विधायक और सांसद बाद में हैं, हम पहले क्या थे ये सब जानते हैं, अगर जरा भी दाएं बाएं किया ना तो लखीमपुर छोड़कर भागना पड़ेगा, कहीं भी गाड़ी से उतर कुछ भी कर सकते हैं, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो जानते हैं। ये भाषा क्या ऐसे व्यक्ति की है जो भारत का गृह राज्य मंत्री हो, जिसके अंडर में खुद ही आंतरिक सुरक्षा हो, जो सुरक्षा का जिम्मेदार हो, जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो, वो इस तरह की बातें करता है? कोई गरिमा अरिमा रह गई है? कोई मतलब है गरिमा कहीं से? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अब ये तो भाई किसी के हम विशेषाधिकार पर, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है किसी को मंत्री बनाना ना बनाना, इस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो लखीमपुर कांड का, इतना बड़ा कांड जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक में दम हो गया, मुश्किलें हो गई, मुख्यमंत्री को सारे कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ आना पड़ा, और कैसे कैसे ये मामला संभला है ये मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता। इनको कहा गया था कि भाई ब्राह्मण को चेहरा है, एक अच्छे ठीक ठाक शरीर व्यक्ति के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस प्रदेश में ब्राह्मण नेता के रूप में मौजूद थे, उन पर तरजीह देकर टेनी जी को राज्य मंत्री गृह विभाग का बनाया गया कि बहुत बड़े ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मणों को बिल्कुल क्रांति कर देंगे, भाजपा के पक्ष में लेकर आ जाएंगे, कर दी क्रांति, झेलिए। टेनी की ये 1.5 हफ्ते पुरानी वो जरा तकरीर सुनिए आप। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहां पर शोर मचाते हैं तो यहां पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं, जो विधायक हुआ और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। कह रहे हैं पलिया में सभा थी, किसानों को धमका रहे हैं कि भाई ये बंद कर दो, बड़े खम ठोक कर मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही होता तो पूरे देश में आंदोलन फैल जाता, 1% लोग हैं, वो किसान है नहीं, और दुनिया भर में प्रदर्शन करते घूम रहे हैं, जो बातें की है ना जबरदस्त है भाई, ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उनकी, ये इस सेंस में जबरदस्त बिल्कुल नहीं है, बहुत घटिया किस्म की बातें हैं, एक गुंडे वाली भाषा है, एक लफंगे मवाली वाली भाषा है गृह राज्य मंत्री की। इस देश ने एक से एक गृह राज्य मंत्री दिए हैं और उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं अजय मिश्रा ट्रेनी। किसानों को धमका रहे हैं, कह रहे भाई सांसद विधायक हम हैं नहीं, उससे पहले हम क्या हैं, क्या हैं आप, गुंडे हैं आप? और आपने कहा कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं सामना करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, बड़ी बड़ी बातें की, दुबक्कर बैठ गए ना, इतना बड़ा बवाल होकर आके दुबक्कर बैठ गए, छिपे छिपे फिर रहे थे, आप और आपका बेटा जान बचा के घूम रहा था, अगर आप गृह राज्य मंत्री नहीं होते तो आपके जान के लाले थे, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास नहीं होता, मुख्यमंत्री का हाथ नहीं होता तो आपको पता चल जाता कि मुकाबला कैसे होता है और जनता क्या होती है। ये जनता है, ये किसान है, और रही सही कसर आपके बेटे ने पूरी कर दी। हर बाप अपने बेटे को लायक ही बताता है, लेकिन उसने हरकत लायक वाली तो नहीं की। जब आप आ रहे थे, आपके पिताजी का कार्यक्रम था दंगल का, दंगल के कार्यक्रम में, दंगल आपके गांव में तो हुआ नहीं, बनबीरपुर में, उसकी तो औपचारिकता नहीं भाई गई, और दंगल आपने उत्तर प्रदेश में करा दिया, मुश्किल हो गई मुख्यमंत्री को, ऐसे हैं मंत्री।
बेटे को निर्दोष बता रहे हैं, बेटा भी कह रहा है मैं था ही नहीं, सफेद झूठ कह रहे हैं, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। जो किसान, एक किसान के सर में गोली लगी है ना, वो आरोप है कि इन्हीं मंत्री जी के बेटे ने अपनी पिस्तौल से चलाई गोली। मैं सुन रहा था, किसी पत्रकार साथी ने कहा कि भाई मंत्री जी आपका लड़का पिस्तौल लहरा रहा था, कहा भाई उसके लाइसेंस ही लहराएगा ही, जब इस तरह के लोग हैं, मंत्री हैं, राजनीति में जो चाल चरित चेहरे की वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरे की बात करती थी, उसमें अजय मिश्रा ऐसी बातें करते हैं। पहले कि आपने ये तेवर देखे, जरा इस घटना के बाद अब देखिए तेवर कैसे बोल रहे हैं, ठंडे पड़ गए। मैं प्रशासन से यही कहूंगा, और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है, 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है, जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है, उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखा ना आपने, सारे तेवर ठंडे पड़ गए। हमारे यूपी में कहा जाता ना, ताजिया ठंडे पड़ गए। उस समय जरा मंच वाला आपने सुना कैसे सीना ठोक के कह रहे थे मुकाबला कर लेंगे, भागने नहीं देंगे, लोग लखीमपुर खीरी छोड़कर भाग जाएंगे। अब खुद देखिए आप कैसे किस तरीके से ठंडे पड़ गए। अब कह रहे हैं सभी को मुआवजा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सारी बातों को हम तैयार हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली कहीं निकली ही नहीं किसी की, जबकि कल साफ साफ ये बात आई थी कि एक किसान के सर में गोली लगी है। पोस्टमार्टम मैनेज होता है, हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। बहुत अरसे तक हम क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, हम जानते हैं कि बड़े बड़े कांड में कैसे मैनेजमेंट होता पोस्टमार्टम के दौरान। और ये डॉक्टर वक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए आप। एक वहाँ बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी होता है, वही लाशें काटता है, ये डॉक्टर अगरबत्ती लेकर नाक के सामने लगाए हुए दूर खड़े रहते हैं, ये पोस्टमार्टम करते नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो पोस्टमार्टम में कैसे क्या मैनेज होता है हमसे अच्छा तो पुलिस ही जानती है फिर, जो करवाती है। खैर, रिपोर्ट तो जो आई है वही मानी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जांच, इसकी आंच आएगी किस पर? क्या जो किसान के नेता राकेश टिकैत समझौता कर गए हैं, क्या उसमें कोई कार्रवाई होगी मुआवजे के अलावा? और सबसे बड़ा एक सवाल और हम उठा रहे हैं मंथन में, कि जो लोग किसानों के अलावा भी तो जाने गई है ना, मंत्री के बेटे का ड्राइवर, उसका क्या गुनाह था? उसका सिर्फ गुनाह था कि ऐसे मंत्री के यहां ड्राइवर होना। उसको तो मंत्री या मंत्री के बेटे कोई जायदाद तो लिख नहीं देंगे, उसके परिवार को, उसका परिवार कैसे चलेगा? वो तो काम करने वाला आदमी था, पीट पीट कर मार डाला गया किसानों की जवाबी कार्रवाई में, उसके परिवार को मदद मिलनी चाहिए। हमारे आप जैसा एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, उसकी जान चलेगी, 35 साल की उम्र, उसके परिवार का क्या होगा? उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो बड़ा मुश्किल से उनके जवाब में निकला, क्या उनके मुंह से ये शब्द निकले कि हाँ पत्रकार को भी राहत मिलनी चाहिए। पत्रकार किसी एजेंडे में है नहीं किसी के, हम और आप खाम खाम फूले फूले फिरते हैं कि हम पत्रकार हैं। कोई पत्रकार इस भ्रम में मत रहिए, संभल कर रहिए, जब फील्ड में काम करिए उस संभल कर रहिए। जान आपके लिए, आपकी जान आपके परिवार के लिए कीमती है, इन नेताओं के लिए नहीं कीमती है, क्योंकि आप वोट बैंक नहीं हैं, आप बहुत बड़ा एक समुदाय नहीं है जो आप इनको फायदा पहुंचा सकें, आप पूंजीपति भी नहीं हैं। 2-4-5 बड़े चैनल मालिक पत्रकारों को आप छोड़ दीजिए तो 99% पत्रकार पूंजीपति नहीं है, और उसमें 80% तो फाके वाले हैं, बाकी को थोड़ी ठीक ठाक नौकरी उकरी करके जीवन चल जाता है। पत्रकारों की हालत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक जो पार्टी का झंडा डंडा उठाते हैं, उनके लिए क्या सोचा शासन और सरकार ने?
देवतुल्य, देवतुल्य। मैंने इधर हाल के एक साल के अंदर ये शब्द बहुत तेजी से सुना है कि देवतुल्य पार्टी के कार्यकर्ता माला जपते हुए, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अन्य लोग हों, संगठन के लोग हों, सरकार के लोग हों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के माला जपते थकते नहीं हैं। इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का क्या कसूर था जो एक सिरफिरे नेता ने उन्हें मरवा दिया, मर गए। तो मेरा निवेदन है कि इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, इनके परिवारों को कम से कम इतना तो कर दीजिए कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। अगर नौकरी किसानों को मिली है तो इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। उस पत्रकार के भी परिवार को नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए, कैसे चलेगा उसका परिवार? बहुत दुखद घटना है, 9 लोग मारे गए, नरसंहार हो गया बिल्कुल।